एमएनए संस्थापक राज ठाकरे के लिए अयोध्या के रास्ते दिन प्रतिदिन मुश्किल होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तो पहले ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उनको घुसने नहीं दूंगा, वो एयरपोर्ट से आवे या ट्रेन से आवे, अयोध्या में उनको घुसने नहीं दूंगा, लखनऊ की धरती पर उनको पैर नहीं रखने दूंगा। यहाँ तक कि उन्होंने अब राम की सौगंध लेकर ठाकरे को ललकारते हुए ऐलान कर दिया है कि माफी नहीं तो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में एंट्री नहीं। देखिए वीडियो। राज ठाकरे हिंदू नेता नहीं है, इस समय देश का खलनायक है और विशेष करके उत्तर भारतीयों के लिए। मैं उसको हिंदू नेता नहीं मानता हूँ, खलनायक है। किस तरीके से आपने एक बयान दिया है कि उनको 5 तारीख को नहीं घुसने देंगे, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से तैयारी बैठक की जा रही है? तैयारी बैठक के बारे में ये तो अभी आप आए हैं, चलिए वहीं पर देखिए। मैं जो भी फैसला करता हूँ, ये मैंने एक न्यूज में देखा कि राज ठाकरे साहब का हृदय परिवर्तन हुआ है और जिन योगी जी की, जिन मोदी जी की वो अभी बहुत कम दिन पहले बुराई करते थे, अब वो तारीफ करने लगे हैं। फिर मैंने देखा टीवी पर पट्टी चल रहा है कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, हमारे योगी आदित्यनाथ जी से, और राम जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं। तो मेरे मन को बड़ा ठेस पहुंचा कि जिसने उत्तर भारतीय के नाम पर रिक्शे वालों को मारा हो, ऑटो वालों को मारा हो, परीक्षा देने जो बच्चे गए हों उनको मारा हो, गर्भवती महिलाओं पर भी जिसने दया न किया हो, जिसने उत्तर भारतीय और मराठी मानुष का बीज बोया हो, अस्पताल में दवाई कराने जो गया हो उसको भागना पड़ा हो, मजदूरी करने गया हो उसको भागना पड़ा हो, तो जो उसके कृत्य हैं 2008 से लेकर के आज तक, अभी तक 2-3 महीना पहले तक, तो मैंने एक बयान दिया कि उत्तर भारतीयों से उनको माफ़ी मांगना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मिलना चाहिए, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनको घुसने नहीं दूंगा। आज जो है हमने अयोध्या के साधु संतों का एक, उनके अगुवाई में यहाँ से एक काफिला निकलेगा और नंदनी नगर में जाकर के एक तैयारी बैठक होगी। और मैं ये बताऊं कि ये जो हमारा आंदोलन है दल से ऊपर उठ गया है, मजहब से ऊपर उठ गया है, जात से ऊपर उठ गया है और ये जन आंदोलन बन चुका है उत्तर भारतीयों का, और ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। और आज के तारीख में अगर राज ठाकरे माफ़ी मांग लेते हैं तो भी 5 तारीख को अयोध्या को उत्तर भारतीयों ने अपने नाम से बुक करा लिया है। अब उत्तर भारतीयों इतनी बड़ी संख्या वहाँ पहुँचने वाली है कि अब जगह नहीं है, माफ़ी मांगने के बाद भी उनको डेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर भारतीयों के नाम पर बुक है। यह मामला अब तक तो राज ठाकरे बनाम भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह था, लेकिन अब इस मामले में भाजपा के ही दूसरे सांसद लल्लू सिंह की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि भाजपा के ये दोनों ही सांसद इस मामले पर एक दूसरे के विपरीत बोल रहे हैं, यानी इस अखाड़े में भाजपा के दोनों सांसद आमने सामने आ गए हैं। जहां एक ओर कैसरगंज सांसद ब्रिजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को बिना माफी अयोध्या में नहीं घुसने देने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ अब अयोध्या के भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने कहा है कि हनुमान जी की कृपा से यदि कोई प्रभु श्री राम की शरण में आता है तो हम उनका स्वागत करेंगे। सुनिए खुद भाजपा सांसद लल्लू सिंह को। हनुमान जी की कृपा राज ठाकरे पर हुई है, इसलिए वह प्रभु श्री राम की शरण में आ रहे हैं, और जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, हम अयोध्या के राम भक्तों के सेवक होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करेंगे। साथ ही साथ ईश्वर प्रभु श्री राम से हमारी यही प्रार्थना है कि राज ठाकरे को वह सद्बुद्धि दें कि वह मोदी जी की शरण में जाकर के अपना और महाराष्ट्र का कल्याण करें। जैसे कि तमाम पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जो राज ठाकरे वापस जाओ और उनको अयोध्या में ना घुसने, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि समाज में आजकल से अनेकों प्रकार के विचार लोगों के मन में आते रहते हैं,
लेकिन अयोध्या सबके स्वागत के लिए तैयार है। जो भी प्रभु श्री राम की शरण में आएगा, अयोध्यावासी होने के नाते उसका स्वागत किया जाए। इतना ही नहीं, लल्लू सिंह ने बृजभूषण सिंह की इस लड़ाई को उनका व्यक्तिगत लड़ाई कह दिया है। वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, और उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा हम बहुत नहीं जानते उसके बारे में, लेकिन भगवान की शरण में जो भी आएगा हमारा कहना उसका हम सब स्वागत। एक और जहां भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह राज ठाकरे की तुलना कालनेमी राक्षस से कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा सांसद लल्लू सिंह राज ठाकरे को श्री राम की शरण में आने वाले यानी राम भक्त कह रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राम की सौगंध ले चुके बृजभूषण सिंह बना राम के कहे पर चलने वाले लल्लू सिंह मामले में आगे क्या होगा। क्या बृजभूषण सिंह श्री राम की सौगंध तोड़ेंगे या लल्लू सिंह श्री राम के कहे का अवमानना करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि इस राजनीतिक तूतू मैमे का महाराष्ट्र में रह रहे उत्तर भारतीयों खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों पर क्या असर होगा, और अगर उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान किया गया तो भाजपा सांसद उसके लिए अब क्या करेंगे। इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर देंगे। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। स्पाइस न्यूज़ भारत, हर खबर आप तक।